Jai Hind does not make fun of dead people. Of course, that doesn't guarantee that people won't die while watching a joke on them. In that case, we can stop the joke midway if the person who is going to die informs us in time. We are sensitive people. Jai Hind. Hello and welcome to Jai Hind. सबसे पहले जनहित में जारी एक एडवाइस, कैट एस्पिरेंट्स तुम पढ़ो, CAT एस्पिरेंट्स तुम पढ़ो. बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है इससे तुम्हारा घर नहीं चलेगा. बिग बॉस से याद आया कि सोनिया गांधी को दिल्ली की संस्था ने नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया. जी नहीं, दिग्विजय या कपिल सिब्बल का निकनेम संस्था नहीं है. वैसे नोबेल प्राइज के बारे में बता दूं कि ये उस आदमी के नाम पे है जिसने डायनामाइट इन्वेंट किया था. पता है इंडिया में डायनामाइट इन्वेंट करने वाले को क्या कहते हैं? नक्सलाइट. इंडिया में शिरीष कुंदर से ज्यादा डिजर्विंग आदमी नोबेल पीस प्राइज के लिए कोई हो ही नहीं सकता. मतलब जब भी उसकी फिल्म आती है, मल्टीप्लेक्स टिकट काउंटर, पॉपकॉर्न स्टॉल, पार्किंग स्पेस, हर जगह पर पीस ही पीस रहता है. और वैसे भी बंदा मार खा के दोस्ती करने में एकदम एक्सपर्ट है. अब चूंकि शिरीष को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, सो वी नो नोबेल प्राइज पूरी तरह से रिग्ड. इट्स अ स्कैम जस्ट लाइक द ऑस्कर्स. आई मीन, अब तक मर्फी को ऑस्कर नहीं दिया. इट्स अ कंप्लीट फिल्म. इट्स अ कंप्लीट फिल्म स्कूल, फॉर गॉड से. आज तक बनाए गए सारे फिल्मों के सीन्स हैं बर्फी में. अनुराग बसु को तो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर मिलना चाहिए. जो सीन्स इतने सारे डायरेक्टर्स ने इतने सालों में बनाए, वो सब अनुराग ने एक ही फिल्म में बना दिए. इससे बड़ा अचीवमेंट फिल्म इतिहास में है ही नहीं. चार्ली चैपलिन तो अनुराग बसु के सामने मिकी माउस है. पर गौरव की चीटिंग देखो, चार्ली चैपलिन को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर दे दिया, नॉमिनेशन तक नहीं. एनीवे, कमिंग बैक टू द नोबेल पीस प्राइज. अब अलायंस पार्टीज ने जो यूपीए की चारों तरफ से ले लेके पीस पीस कर दी है, इस पे उनका एक पीस प्राइज तो बनता है. नोबेल नहीं मिला तो मैग्सेसे तो काम चला सकते हैं. दिस गवर्नमेंट इज अबाउट अंडर अचीवमेंट, लेकिन सोनिया गांधी की दाद देनी. उन्होंने अपने पीएम साहब को कितना शांत रखा है. अपने पीएम से ज्यादा पीसफुल जिंदा आदमी आपको अपने टीवी को म्यूट कर देने के बाद ही दिखेगा. कुछ नहीं, सोनिया गांधी फॉर नोबेल. सोनिया गांधी को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड करना वैसी है जैसे आपको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए नॉमिनेट करना, क्योंकि आपके आई नो आई सक किलिंग ब्लैक बक इज अ क्राइम सो गोइंग फॉर अ डक अपडेट को 50 लाइक्स मिले. है ना, कंपेयर, मतलब बिल्कुल है समानता, देखिए. वैसे राहुल गांधी भी काफी सही कैंडिडेट है पीस प्राइज के लिए, क्योंकि जिस भी स्टेट में उसने प्रचार किया, कांग्रेस वहां अपने सारे सीट्स पीसफुली हार गई. लेकिन सही में एक नॉर्मल आदमी की सेंसिबिलिटी किसी सी ग्रेड फिल्म की हीरोइन की क्लीवेज रिवीलिंग ड्रेस बनती जा रही है, जिसे डायरेक्टर कहता है थोड़ा और नीचे करो. बेटा ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नोबेल प्राइज के लिए कैंडिडेट्स नहीं है. हाँ हाँ, सो हियर वी आर विथ वेल रिसर्च लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज डिजर्विंग पीपल. वेल रिसर्च का मतलब है कि हमारे राइटर्स ने बस दो पेग डाउन होके लिखा है. नंबर वन, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन मुलायम सिंह यादव. इसलिए क्योंकि जब भी गवर्नमेंट की कोई मारता है तो मलम लेके यही जाते हैं. नंबर टू, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स सलमान खान. सलमान खान ने न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को फेल कर दिया. मतलब फिल्म कितनी भी चुतिया टाइप हो, बॉक्स ऑफिस पे गिरेगी नहीं. नंबर तीन, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री. इस फील्ड में जॉइंट विनर्स हैं और वो है
MS धोनी और रोहित शर्मा। मतलब शर्मा कितनी भी घटिया बैटिंग करे हैं, धोनी से उसकी केमिस्ट्री इतनी सही है कि वो टीम में 100% हो। नंबर 4, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, ममता बैनर्जी। जिस प्राइज राइज को मनमोहन सिंह जैसे नोटेड इकोनॉमिस्ट कंट्रोल नहीं कर पाए, वो दीदी रोल बैक से कर देती है। नंबर 5, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, शाहिद कपूर। मतलब इस बंदे ने इतने नए नए वर्ड्स डिक्शनरी को दिए हैं अपनी ट्वीट्स के द्वारा कि शेक्सपियर भी कवर में पसीना पसीना हो गया। अभी लेता हूँ एक छोटा ब्रेक। वैसे आप भी कहीं कहाँ जाते हो वेंचर, यहीं पे तो बैठे रहते।